पहले धरने का तमाशा सब्र के साथ बर्दाश्त किया, अब भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। आसिफ जरदारी से अब ताल्लुक की याद नहीं आ रही, उनसे हमेशा अच्छा ताल्लुक रहा है। वज़ीर आज़म बनने के बाद सबसे पहले जरदारी से मुलाकात की, अब भी मिलने के हामी हैं। वज़ीर आज़म ने लंदन पहुंचने पर मीडिया से बात की, उनका कहना था कि वह अपने तिब्बी मुआयने के लिए इंग्लैंड आए हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने इमरान खान की कड़ी तनकीद की, बोले समझ नहीं आता कि इल्ज़ाम क्या है, पनामा लीक्स पर कौम से खताब ने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था। एक साहब हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, चाहिए तो ये है कि मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, लेकिन वो हर वक्त तरक्की का रास्ता रोकने की तलाश में रहते हैं। धरने देकर मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने की कोशिश की गई। नून लीग ने धरने का तमाशा बर्दाश्त किया, अब भी खंदा पेशानी से तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन किसी को मुल्क की तरक्की में रुकावट नहीं डालने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आसिफ जरदारी से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और उनसे मिलने के हामी भी हैं। पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में एक दिन भी हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं की और जरदारी हुकूमत को मुल्क की तरक्की में भरपूर तआवुन पेश किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने कभी इस्तीफों की सियासत नहीं की, सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। पीपल्स पार्टी के रायमंड धरने में शामिल ना होने के फैसले की कदर करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मनफी किरदार सियासत के किसी सियासतदान को जेब नहीं देता, धरने देने वाले खुद को अकेला कर रहे हैं, अगले 2 साल में वो कुछ कर जाएंगे जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लोड शेडिंग खत्म होगी जिससे इंडस्ट्री बहाल होगी और मुल्क तरक्की करेगा।